हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आपको साइकोलॉजी ऑप्शनल मेंस 2021 का पेपर एनालिसिस प्रोवाइड करवाऊंगी। इस वीडियो के अंदर एम्फेसिस पेपर टू के एनालिसिस पर दिया जाएगा। पेपर वन का वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक पेपर वन का एनालिसिस वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक ऐड कर दूंगी। आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करके डायरेक्टली पेपर वन का वीडियो एक्सेस कर सकते हैं। लास्ट ईयर के एनालिसिस में मैंने आपको 4 साल का ट्रेंड एनालिसिस दिखाया था। इस साल मैं आपको पूरे 5 साल का ट्रेंड एनालिसिस दे रही हूँ। इससे आपको एक अच्छा खासा आइडिया मिल जाएगा, यूपीएससी के साइकोलॉजी पैटर्न को डिकोड करने की समझ आ जाएगी और आप अपनी प्रिपरेशन को यहाँ से बहुत ही एक अच्छी स्पीड, एक अच्छी स्ट्रैटेजी दे सकते हो जिससे आप मैक्सिमम मार्क्स साइकोलॉजी में स्कोर कर सको। मेरा नाम देवश्री सिंह है और मैं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए अन अकेडमी पर साइकोलॉजी ऑप्शनल पढ़ाती हूँ। वी आर डायरेक्टली गोना टॉक अबाउट दी ओवरऑल पेपर एनालिसिस फॉर पेपर टू। मेरे पास में जो इनसाइट्स हैं यहाँ पर मैंडेटरी सेक्शन को लेकर, वो मैं आपको लास्ट में बताती हूँ। सो सबसे पहले अगर बात करें ओवरऑल पेपर एनालिसिस में, तो यहाँ पर भी मैंने 2 कैटेगरीज में उसको डिवाइड कर दिया है। कैटेगरी वन वो है जहाँ पर ऑन एवरेज हर साल 2 या 2 से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसमें आपको याद होगा मैंने पेपर वन के लिए आपको बताया था कि ऑलमोस्ट 8 यूनिट्स थी पेपर वन में जिनके ऊपर ये क्वेश्चंस इस तरीके से पूछे गए थे या उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिल रही थी। अगर आप यहाँ पेपर टू के केस में देखते हो तो यहाँ पे हमारे पास में इस तरीके से 10 यूनिट्स हैं जिनसे 2 या 2 से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। यहाँ से आपको एक चीज़ समझ में आनी चाहिए कि पेपर टू में मोर और लेस जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो काफ़ी हद तक इक्वल है या समान है, और ये हर साल देखने को मिलता है। इट इज़ नॉट समथिंग न्यू हैपनिंग दिस ईयर। पिछले साल भी बहुत हद तक सेम था, उसके पहले भी सेम था। थोड़े बहुत माइनर चेंजेस हर साल आते हैं, वही माइनर चेंजेस इस साल भी देखने को मिले हैं। आप देख सकते हो ये सभी की सभी यूनिट्स हैं, मैं रीड कर देती हूँ। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, इंडिविजुअल डिफरेंसेस यूनिट 1, वेलबींग एंड मेंटल डिसऑर्डर्स, थेरेप्यूटिक अप्रोचेस, वर्क साइकोलॉजी और ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशन साइकोलॉजी, कम्युनिटी, डिसएडवांटेज ग्रुप, सोशल इंटीग्रेशन, एनवायरमेंट एंड साइकोलॉजी इन अदर फील्ड्स। यहाँ से आप सभी देख सकते हो कि कितने क्वेश्चंस 2021 में आए हैं। आप पिछले 4 साल का भी डेटा देख सकते हो पॉज करके। आगे अगर मैं चलूँ तो आप देखोगे हमारे पास आती है कैटेगरी 2। अब कैटेगरी 2 के अंदर हमारे पास वो यूनिट्स हैं जिनसे पिछले 5 सालों में ऑन एवरेज 2 से कम क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ऐसे में आपकी यूनिट्स हैं रिहैब, आईटी एंड मास मीडिया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, साइकोलॉजी ऑफ जेंडर। साइकोलॉजी ऑफ जेंडर से तो स्टैंडर्ड 1 ही क्वेश्चन आता है, यही नॉर्म रहा है एंड आगे भी यही रहेगा। बढ़ाने के लिए या कुछ चेंज करने के लिए एट मैक्स 0 क्वेश्चंस या 2 क्वेश्चंस हो सकते हैं, बट 2 क्वेश्चंस जैसा इस यूनिट के अंदर इतना कंटेंट है नहीं है और वो एक ही क्वेश्चन के अंदर बहुत कुछ समराइज करके आपसे पूछ सकते हैं। समझने वाली अगली इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि ये जो यूनिट्स हैं जैसे कि रिहैब साइकोलॉजी, आईटी एंड मास मीडिया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यहाँ से इस साल एक एक क्वेश्चन आया है, मगर अगर आप देखो तो पिछले साल 2-2 क्वेश्चंस आए थे। फिर अगर आप देखो तो एक क्वेश्चन था 2019 में, आपको 2018 में भी दिखाई दे रहा होगा कम से कम 2 यूनिट्स में 2 क्वेश्चन थे। इट इज़ समथिंग विच इज़ फ्लक्चुएटिंग। नाउ द थिंग इज दैट यू कैन एक्चुअली एक्सपेक्ट 2 क्वेश्चंस फ्रॉम दीज यूनिट्स इन द नेक्स्ट ईयर। अगर 2 भी नहीं तो कम से, अगर इन तीनों यूनिट में से 2-2 क्वेश्चंस भी नहीं आते हैं तो कम से कम 1 या 2 यूनिट में से डेफिनेटली 2 क्वेश्चंस आने ही आने हैं। अगर आप बात करो इनकी ईज की तो ये तीनों ही यूनिट्स बहुत आसान हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मैक्सिमम क्वेश्चंस अचीवमेंट, मोटिवेशन, एंटरप्रेन्योर के कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर ही आते हैं, या फिर उस चीज़ को आईटी एंड मास मीडिया के साथ क्लब करके एंटरप्रेन्योरशिप का एक टॉपिक कैसे उसको प्रमोट कर सकते हैं, कैसे उसको इनकल्केट कर सकते हैं या कैसे गवर्नमेंट सपोर्ट कर सकती है, इसी तरीके के क्वेश्चंस के अंदर उनकी कहीं ना कहीं सारी के सारी जो थीम है वो इसी में ही अंडरलाई करती है। तो आप अगर इनको अच्छे से इतना कवर कर लोगे, यू कैन ईजिली आंसर दोज क्वेश्चंस इन 2022 एग्जाम। रिहैब साइकोलॉजी में मोर और लेस द वे ऑफ वर्किंग इज़ वेरी सेम। जैसे आप रिहैब सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हो, साइकोलॉजिस्ट का रोल, सोशल इंस्टीट्यूशंस का रोल, हर किसी का रोल मोर और लेस सेम है। अब सिर्फ
कैटेगरी बदलती है और कैटेगरी के साथ में कुछ एनजीओज के नाम जो आप कोट करोगे वो बदल जाएंगे, या उनके लिए कोई अगर इनिशिएटिव्स हैं वो बदल जाएंगे, विच इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट. एंड ऑल ऑफ यू नो व्हेन देर आर सो मेनी टॉपिक्स बीइंग पार्ट ऑफ दिस यूनिट, तो कुछ ना कुछ तो वो चेंज करके पूछेंगे ही पूछेंगे. सो यहाँ से एक क्वेश्चन तो आप एक्सपेक्ट करके रख ही सकते हो. आईटी, मास मीडिया या इकोनॉमिक डेवलपमेंट से आप ज़्यादा क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो. अभी कंज्यूमर अवेयरनेस के ऊपर क्वेश्चन रहा था, यू कैन एक्सपेक्ट सच मोर क्वेश्चन इफ नॉट इन 22 एटलीस्ट इन 23, जहाँ पर वो आपकी कंज्यूमर साइकोलॉजी को इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ में कनेक्ट करके आपको कुछ इंटरकनेक्टेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. अब एक और चीज़ जो आपको देखनी है कि मोर और लेस तो यहाँ पे सब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, और यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो काफ़ी हद तक पिछले साल के साथ में मैच करती ही करती है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है, राइट? आप यहाँ पे देख सकते हो मैक्सिमम यूनिट्स के अंदर वो मैच करी है, और दो यूनिट्स के अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ गए हैं. ये चीज़ मैंने आपको पिछले साल भी बताया था कि कम्युनिटी साइकोलॉजी से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, पिछले साल सिर्फ एक ही क्वेश्चन था, इस साल वापस दो क्वेश्चंस पर आ गए. इट सिंपली मीन्स कि वो वापस यही ट्रेंड्स फॉलो करेंगे. एक आधा यूनिट के अंदर थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन होना तो वैसे भी आम बात है, पर यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो काफ़ी हद तक समान है, या इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, नियर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है. तो आपको यहाँ से जो चीज़ याद रखनी है वो ये है कि पेपर वन में कुछ यूनिट्स पे ज़्यादा एम्फोसिस दिया जाता है उनके अंदर कवर करे जाने वाले कंटेंट के बेसिस पे, या फिर उनकी रीसेंसी के ऊपर, कहीं ज़्यादा रिसर्चेस हो रही हैं, या कहीं थ्योरीज में ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं, या कोई ज़्यादा चीज़ आज के टाइम पर रेलिवेंट है, तो वैसे क्वेश्चन आएंगे. पेपर टू मोर और लेस सारा का सारा ही रेलेवेंट है, क्योंकि सब कुछ आपकी लाइफ से कनेक्ट होता है. हार्डली 3-4 ऐसे यूनिट्स हैं जहाँ पर आपको उतना कनेक्ट करने को नहीं मिलता, एंड यू हैव टू लर्न न्यू कॉन्सेप्ट्स एंड देन यू नो रिमेंबर दोज कॉन्सेप्ट्स. बाकी तो पूरा का पूरा पेपर टू प्लेन पेपर वन का रिविजन है, वही कॉन्सेप्ट्स बार 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 हर यूनिट में आप स्टडी करोगे, रिवाइज करोगे. इससे आपका पेपर वन एंड पेपर टू दोनों स्ट्रांग हो जाते हैं. सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पेपर टू को इग्नोर ना करें, या उसके ऊपर वो बोलते ना कुछ एक शक की निगाह से उसको ना देखें, क्योंकि पेपर टू आपके लिए एक बहुत ही अच्छा चांस है साइकोलॉजी में ज़्यादा स्कोर करने का. बहुत लोग ऐसे हैं जो पेपर वन में कम स्कोर करके पेपर टू में स्कोर कर रहे हैं ज़्यादा. ये डायनेमिक है, एप्लीकेटिव है, इंटरकनेक्टेड है, प्लस जब आपको सही से आर्टिकुलेट करना आता है तो गेम इज़ इन योर कंट्रोल. यहाँ पे जितना अच्छा आप समझते हैं, अगेन जितनी अच्छी आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, जितनी अच्छी आपकी थॉट फ्लूडिटी है, जितनी अच्छी आप आर्टिकुलेशन करोगे, उतने ज़्यादा मार्क्स आप पेपर वन एंड पेपर टू में स्कोर कर सकते हो. पेपर टू में और भी ज़्यादा बढ़िया चांसेस हैं. सो दिस इज़ समथिंग यू शुड ऑलवेज रिमेंबर, दैट वर्किंग ऑन इंटरकनेक्शंस एंड एप्लीकेशंस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट की. अब मैं आपको फटाफट से पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर दिखा रही हूँ. अगेन यहाँ पर भी मैंने प्राइमरी एंड इंटरकनेक्टेड या सेकेंडरी टॉपिक टैग करके दिए हैं. प्राइमरी टॉपिक से मतलब है कि वो यूनिट जिससे ये क्वेश्चन डायरेक्टली उठाया गया है. इंटरकनेक्टेड और सेकेंडरी टॉपिक का मतलब है जिसके साथ ये क्वेश्चन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कनेक्ट होता है. तो यहाँ पर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर वन, जिसमें 5 हमारे पास सब पार्ट्स हैं, हर क्वेश्चन 10 मार्क्स का है. यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हो कि प्राइमरी टॉपिक्स के साथ साथ 3 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें इंटरकनेक्टेड टॉपिक्स भी यूज़ हो रहे हैं. तो कहीं ना कहीं वो मर्ज कर देते हैं डिफरेंट यूनिट्स को, एंड इसीलिए और भी ज़्यादा इजी हो जाता है यहाँ पे टॉपिक्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना, क्योंकि इतने ज़्यादा इंटरकनेक्शंस पेपर टू के अंदर पॉसिबल है जो कि पेपर वन में इतना यूजुअली नहीं होता है. सो नोइंग योर यूनिट्स वेरी वेल इज़ इम्पॉर्टेंट हियर. यू कैन पॉज द वीडियो एंड रीड आउट द क्वेश्चंस एंड द टैग्स एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन 2-4 हमारे पास में ऑप्शनल कैटेगरी क्वेश्चंस हैं. यहाँ पर आपके पास में 3 सब पार्ट्स होते हैं, आपको तीनों लिखने हैं पूरे मार्क्स लेने के लिए. यहाँ पर आप देख सकते हो 15, 15 and 20 मार्क्स में क्वेश्चंस को डिवाइड किया जाता है. तो अब पहले पेपर वन में 20, 15 and 15 था, यहाँ पर 15, 15 and 20 है. सो दीज आर योर प्राइमरी टैग्स. इस क्वेश्चन में कोई इंटरकनेक्टेड टैग नहीं, इन क्वेश्चंस में कोई इंटरकनेक्टेड टैग नहीं है. आगे आपका क्वेश्चन नंबर 3, सेम पैटर्न, एंड यहाँ पर भी कोई इंटरकनेक्टेड टैग्स नहीं है, आप पॉज करके इनको भी रीड कर सकते हो. क्वेश्चन 4 में यहाँ पर एक इंटरकनेक्टेड टैग है, यू कैन पॉज द वीडियो एंड रीड दिस. क्वेश्चन 5 पर आते हैं, तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारे पास में फिर से 5 क्वेश्चंस हैं 10-10 मार्क्स के, एंड यहाँ पर सारे के सारे सिर्फ प्राइमरी टैग के साथ ही आप समझ जाओगे, कोई इंटरकनेक्टेड एज सच ज़्यादा नहीं है. अगर आप आगे आते हो हमारे क्वेश्चन नंबर 6 से 8 के ऊपर, तो ये ऑप्शनल क्वेश्चंस हैं.
जिसके अंदर फिर से आपको तीन क्वेश्चंस होते हैं और वो तीनों क्वेश्चंस आपको आंसर करने ही करने हैं। सो ये 15 15 एंड अगेन 20 मार्क्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। यहाँ से आप देखते हो कि इंटरकनेक्टेड टॉपिक्स जो हैं अब वो दिखाई दे रहे हैं। सेम चीज़ क्वेश्चन नंबर 7 में भी आपको दिखाई देगी, इंटरकनेक्टेड टॉपिक्स अब यहाँ पे आने लग गए हैं। एंड यहाँ भी क्वेश्चन नंबर 8 में आपको इंटरकनेक्टेड टॉपिक्स दिखाई दे रहे हैं। सो ये चीज़ एक काफ़ी अच्छी ऑप्शन है आप सभी के लिए, उन क्वेश्चंस को पिक करना जहाँ पे कम से कम एक दो इंटरकनेक्शंस बनते हैं। ऐसे में आपके चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं अच्छे मार्क्स स्कोर करने के। अब कुछ की टेकअवेज मैं आप सबके साथ में शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहली चीज़ जो आप देखोगे यहाँ पे, वन सेकेंड, हाँ, वो यहाँ पर ये है कि जो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वन सेकेंड, एंड रिहैब साइकोलॉजी प्लस आपका आईटी एंड मास मीडिया है, इनसे आप 22 में और 23 में टू क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर इन सभी यूनिट से, तीनों की तीनों यूनिट से इंडिविजुअल भी नहीं आता है, तो इनमें से कुछ यूनिट से कम दो क्वेश्चन ज़रूर आ जाएंगे। गुड बेट इज कनेक्टिंग विद आईटी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यहाँ पे दो क्वेश्चंस बनने के अच्छे खासे चांसेस हैं। उसके अलावा आप ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी से भी ज़्यादा क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर देखो तो यहाँ पर चार क्वेश्चंस पूछे गए हैं 2020 एंड 2021 के अंदर। व्हाट यू कैन अंडरस्टैंड इज कि वापस तीन क्वेश्चंस तक ट्रेंड जा सकता है, या दो से तीन क्वेश्चंस सिर्फ एक एक्सेप्शन बनाने के लिए थोड़े नंबर ऑफ क्वेश्चंस रिड्यूस किए जा सकते हैं, बट मोर और लेस दो से तीन तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हो, उससे कम तो नहीं जाना चाहिए। रीज़न क्या है कि अभी भी आप देख रहे हो पैंडमिक के चलते सभी लोग घर से काम कर रहे थे, अब दुनिया खुल रही है, राइट, सब लोग वापस जा रहे हैं ऑफिस। आप पढ़ रहे होगे रोज़ न्यूज़पेपर में कि इतनी सारी आईटी कंपनीज ने वापस उनको ऑफिस बुलाना शुरू कर दिया। अब आप देखोगे कि जो वर्क फ्रॉम होम का कल्चर था एंड वापस जो ऑन साइट कल्चर है, राइट, रिमोट एंड ऑन साइट कल्चर के बीच में डिफरेंसेस पूछे जा सकते हैं। कैसे इन दोनों कल्चर्स में लोगों के ऊपर स्ट्रेस हो रहा है, या कैसे उनकी परफॉर्मेंस बढ़ाई जा सकती है, या कैसे उनको मोटिवेट किया जा सकता है, ऐसे केस में लीडरशिप कैसे काम करेगी, मैनेजमेंट कैसे अच्छे से हो सकती है, इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस वो आपसे पूछ सकते हैं। सो इट बिकम्स एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट दैट यू रीड योर पोर्शंस वेरी वेल, बट नॉट जस्ट रीड देम, बट यू ट्राई टू इम्प्लीमेंट और अप्लाई दीज इन द रियल वर्ल्ड सिनेरियो। तो जो करेंट इवेंट्स होते हुए देख रहे हो उनमें अप्लाई करने की भी कोशिश करो। अगर किसी को लगता है कि ये चीज़ आपसे नहीं हो पाती है, यू कैन अगेन कनेक्ट विद मी एंड लर्न दीज थिंग्स विद मी, इधर एट अनअकैडमी ऑन माई इन माई फ्री स्पेशल क्लासेस, यू कैन जॉइन प्लस कोर्सेज। मैं 28 मार्च से नया बैच शुरू कर रही हूँ, एंड उसके अलावा यूट्यूब पर भी आई बी अपलोडिंग वीडियोज विच यू कैन चेक आउट, एंड यू कैन गेट इन टच विद मी इफ यू नीड एनी हेल्प। आप सभी के लिए ये जो एनालिसिस की स्लाइड्स हैं मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगी। सो आई विल सजेस्ट ऑल ऑफ यू टू जॉइन द टेलीग्राम चैनल एंड यू नो गेट ऑल दी स्लाइड्स, एंड अभी भी आगे मैं जितनी वीडियोस बनाऊंगी आई विल कीप शेयरिंग द कंटेंट देयर। टेलीग्राम चैनल जो है मैं यहाँ पर उसका आपको डिटेल्स दे रही हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर भी ऐड कर दूंगी लिंक, आप चेक कर लीजिएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम हो कनेक्ट होने करने में तो वो डायरेक्टली मेरे को कॉल करके या टेलीग्राम पे एक मैसेज करके पूछ सकता है, आई शेयर द लिंक देयर, नॉट एन इशू। एंड अगर आप कोर्सेज के लिए सब्सक्राइब करना चाहते हो तो आप देवश्री सिंह कोड यूज़ करके सब्सक्राइब कर सकते हो, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। जो बैच शुरू हो रहा है उसमें पेपर वन, पेपर टू एंड रिसर्च के सारे पोर्शंस बहुत ही डिटेल में कवर किए जाएंगे। पेपर टू के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है, एंड कमिंग टू अनदर पॉइंट, हमारा मैंडेटरी सेक्शन एनालिसिस, ये जो कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पर कम्युनिटी साइकोलॉजी, डिसएडवांटेज ग्रुप, सोशल इंटीग्रेशन, तीनों के तीनों जो टॉपिक्स हैं ना कहीं इंटरकनेक्टेड हैं। यहाँ से ओवरऑल आप 3 से 5 क्वेश्चन जो है एक्सपेक्ट कर सकते हो, ओवरऑल, नॉट फ्रॉम एनी वन इंडिविजुअल यूनिट, बट टुगेदर फ्रॉम दीज 3 यूनिट यू कैन एक्सपेक्ट सो मेनी क्वेश्चन। साइकोलॉजी इन अदर फील्ड से आप 2 क्वेश्चन ईजिली एक्सपेक्ट कर सकते हो, 2 से ऊपर आते हैं तो अगेन जस्ट एन एक्सेप्शन, पर 2 क्वेश्चन मोर लेस आ ही जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, नाउ एजुकेशनल साइकोलॉजी, सोशल इंटीग्रेशन एंड साइकोलॉजी इन अदर फील्ड्स, इस बार अगेन मैंडेटरी सेक्शन में उनको काफ़ी इंपॉर्टेंस मिली है, एंड ये काफ़ी कंसिस्टेंटली चलती आ रही है। इनमें कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत बड़े नहीं हैं या जिनके अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं हैं,
जिनको इजिली समराइज करके कम वर्ड्स में लिखा जा सकता है, एंड दैट इज़ वाई दे आर गिविंग अ कपल ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम दीज यूनिट्स इन द मैंडेटरी सेक्शन. तो ये पुराने ट्रेंड्स के साथ में कन्फर्म करता है, एंड यू कैन एक्सपेक्ट मोर सच क्वेश्चन एटलीस्ट फ्रॉम साइकोलॉजी ऑफ जेंडर, साइकोलॉजी यू नो इन अदर फील्ड्स. ये तो ऐसी छोटी छोटी यूनिट्स हैं, यहाँ से तो 10-10 मार्क्स के क्वेश्चन ही ज़्यादा निकलते हैं. कभी कभार कभी ऑप्शनल में चला जाता है, अदरवाइज मोर और लेस इट विल बी पार्ट ऑफ योर मैंडेटरी क्वेश्चन. सो प्रिपेयर दीज टॉपिक्स विल. One more insight which I would like to share with all of you is that many a times they ask you such a question जिसमें ये एक पर्टिकुलर यू नो सब टॉपिक नहीं पूछा जाता, बट इट लुक्स लाइक कि पूरा का पूरा यूनिट ही समराइज करके लिखना रहेगा, विच इज़ ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी एंड इट कैन बी डन. यू शुड बी रेडी फॉर दैट. इफ यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू वर्क ऑन दैट, यू कैन ऑलवेज फील फ्री टू कनेक्ट विद मी. आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू ऑल आउट. दैट्स ऑल अबाउट दिस एनालिसिस. डू जॉइन दी टेलीग्राम चैनल to get you know all these files, and if you have any video request you can put that either in the comment or you can get in touch with me and discuss the things. I will start uploading these videos very very soon. That's all from my end. If anyone wants to connect, again I am showing you the details. You can connect with me for mentorship, courses, answer writing or any other queries if you have. This is the contact number and this is the email address, and that's all. Thank you so much everyone. Take care of yourself.